सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हरप्रीत सिंह propertygallery.in से। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा DLF फेस 1 के बारे में होगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो मेरा DLF फेस 4 के बारे में था, ये वीडियो मेरा फेस 1 के बारे में है और मैं इसमें आपको DLF फेस 1 के बारे में अहम जानकारियां दूंगा, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हैं, चलते हैं राइड पे DLF फेस 1। आइए दोस्तों, तो हम आ पहुंचे हैं DLF फेस 1। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने बोर्ड पे लेफ्ट साइड पे दिखा रहा है DLF फेस 1 और सामने दिखा रहा है सेक्टर 42-43। बट अभी हम DLF फेस 1 की बात करेंगे और ये सामने हमारे बिल्कुल रैपिड का फेस 1 का मेट्रो स्टेशन जो आप क्लियर देख पा रहे हैं सामने। ये मेट्रो स्टेशन फेस 1 का रैपिड मेट्रो जो इंटरनल गुड़गांव मेट्रो है। अब यहीं से हम लेफ्ट लेंगे तो हम DLF फेस 1 के अंदर एंटर कर जाएंगे। जाके भी एक एंट्री आती है बट हम पहले एंट्री कर गए। ये जैसे कि देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर 500 स्क्वायर यार्ड्स का ये विलाज हैं बने हुए और हम बिल्कुल ये रोड सीधा निकलेगा प्लाजा टावर पे। दो मार्केट्स हैं, एक तो कुतुब प्लाजा और दूसरी DLF मॉल। जी हाँ, दो मार्केट्स हैं इस वाले एरिया में। जैसे हम कुतुब प्लाजा के मार्केट के जस्ट सामने पहुंच चुके हैं, आप देख रहे हैं। कुतुब प्लाजा मार्केट आ गई है हमारे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे टावर है जिसमें ऑफिसेज हैं। कुतुब प्लाजा मार्केट, यहाँ पे अच्छे अच्छे फूड जॉइंट्स हैं, आप शॉपिंग के लिए बुटीक्स हैं, बहुत सारे हैं शॉप्स हैं, ग्रॉसरी की शॉप्स हैं, बुक सेलर्स हैं मार्केट पे, ATMs हैं बैंक्स के। और तो हम आए यहाँ के बोधी मार्ग पे, DLF के साथ ही लेन है और अच्छी अच्छी लेन है। यहाँ पे 300 स्क्वायर यार्ड्स के विलाज या प्लॉट कल्चर जो साइज़ है प्लॉट का वो ये है, उसमें फ्लोर भी अवेलेबल हैं और लोग इंडिपेंडेंट हाउसेस भी अवेलेबल हैं, कुछ पुराने हो गए हैं कुछ नए बन रहे हैं। बोधी मार्ग हाँ जी, मैंने अभी आपको अर्जुन मार्ग दिखाई और जो कुतुब प्लाजा मार्केट है वो दिखाई और आपको मैंने शॉपिंग मॉल के सामने का एरिया दिखाया जहाँ पे सारी रिहाइश है और जिसमें 500 गज और 1000 गज के 1000 स्क्वायर यार्ड्स के लोगों ने बंगलो बना रखे हैं और अच्छी लैविश लाइफ रह रहे हैं, अच्छा डिसेंट क्राउड है यहाँ पे। और ये जो मैंने आपको मॉल दिखाया था शॉपिंग मॉल, बेसिकली ये मार्केट है और उसमें जो सारी सरप्लस की मार्केट है, कपड़े बहुत अवेलेबल, बहुत दुनिया लेने आती है यहाँ पे कपड़े, मैं भी यहाँ से परचेज़ करता हूँ मुझे अच्छे लगते हैं यहाँ के कपड़े। और मैं क्या बता रहा था, हाँ DLF फेस 1 के बारे में आपको बता रहा था कि यहाँ पे 300 स्क्वायर यार्ड्स, 500 स्क्वायर यार्ड्स और 1000 स्क्वायर यार्ड्स और एक छोटा से थोड़े से एक नंबर्स हैं वो 150 स्क्वायर यार्ड्स के जो कभी कभी रीसेल पे आते हैं। अदरवाइज जो आपको जनरल जो इजीली आपको अवेलेबल होती हैं यहाँ पे चीज़ें वो 300, 500 और 1000 के प्लॉट आपको अवेलेबल होते हैं रीसेल में और कुछ पुराने हाउसेस भी अवेलेबल आ जाते हैं रीसेल में, जैसे 1000 स्क्वायर यार्ड का। यहाँ की जो सुविधाएँ और यहाँ की जो लाइफ है उसको आप इंजॉय कर सकते हो और अगर आपको आपके पास बजट की कोई इशू नहीं है तो आप
300, 500, 1000, 700 किसी में भी आप साइज में अपने आप जाके अपनी यहाँ पे अच्छी गुजर बसर कर सकते हो। तो अगर थोड़ा मूड है तो मैं आपको मार्केट भी दिखा सकता हूँ। हाँ जी, तो मैंने अभी आपको DLF मॉल शॉपिंग मॉल को दिखाया अंदर से कि लोग शॉपिंग कर रहे हैं, अपना अच्छी मार्केट है, यहाँ पे सरप्लस के कपड़े अवेलेबल हैं और ज़्यादातर कपड़ों के लिए मशहूर है ये मार्केट। तो चलिए किसी यहाँ के एक रेजिडेंट से मिलते हैं और जानते हैं DLF वन की लाइफ के बारे में, यहाँ के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, और आइए उन्हीं से बात करते हैं। बोला था कि यहाँ के एक रेजिडेंट से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ और ये मेरे बहुत अजीज बहुत प्यारे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं। ये साइकिलिस्ट है, पहले इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूँगा। ये साइकिलिस्ट हैं और ट्रैवलर हैं, ये यहाँ के बाशिंदा हैं फेस वन के। इनका नाम है करमवीर जी, करमवीर सिंह। हेलो शर्मा। तो करमवीर जी, मैं अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको आज फेस वन के बारे में थोड़ा बता रहा था, तो मैंने कहा चलो आपको एक यहाँ के रेजिडेंट से कुछ यहाँ का जो प्रोज एंड कॉन्स हैं इस एरिया के और जो भी चीज़ें हैं, तो बेहतर एक रेजिडेंट बता पाएगा। तो मैंने इस करके मैंने कहा आप मेरे व्यूअर से रूबरू हैं और यहाँ के बारे में थोड़ा सा आप जो कुछ आपके मन में चीज़ें हैं, जो आपका आपका लाइफस्टाइल कैसा है यहाँ पे, आपको किस चीज़ की बहुत अच्छा लगता है, क्या डिफरेंस है आप जैसे पहले एरिया में रहते थे वहाँ से दोबारा आप जब से आप फेस वन में आए। द मेन डिफरेंस इज कि यहाँ पे ब्यूटिफुली मेंटेन्ड पार्क हैं आपके आसपास, घरों के आसपास, और द रोड्स आर वाइडर एंड स्कूल हैं काफ़ी यहाँ पे, इंटरनेशनल स्कूल हैं, और सारे आपका जो ये सेंट्रल पॉइंट है आपको यहाँ से मेट्रो स्टेशन बहुत नज़दीक पड़ जाता है, MG रोड बहुत नज़दीक है, और आप कहीं पे भी वॉकिंग डिस्टेंस वॉक करके जा सकते हो। तो हम आ पहुँचे हैं DLF फेस वन के H ब्लॉक में, ये एंट्री गेट है उसका और ये बहुत ही अच्छा ब्लॉक है, साफ सुथरा। H ब्लॉक के बारे में कुछ अपनी राय देना चाहेंगे दर्शकों को?
एच ब्लॉक जो है ये सिकंदरपुर गांव के साथ लगता हुआ है, लेकिन फिर भी 200 गज के जो जितने भी प्लॉट हैं यहाँ पे वो सारे सिकंदरपुर गांव के साथ लगे हैं, और जी ब्लॉक में है कुछ प्लॉट। पर इसकी ब्यूटी यही है कि यहाँ ग्रीन एरिया आपको काफ़ी मिलेगा, और जो दो या तीन इस यहाँ पे पार्क हैं बहुत सुंदर पार्क बने हैं। ए ब्लॉक डीएलएफ फेस वन में पावर बैकअप है अवेलेबल यहाँ पे, तो यू कैन गेट पावर बैकअप 24 hours 24x7 फ्रॉम द अथॉरिटीज, सो नो नीड टू वरी अबाउट पावर कट्स एट ऑल। और वैसे भी पिछले 3 साल में पावर की सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूव हुई है, और लाइट बहुत कम यहाँ पे जाती है। हाँ जी, और जो पानी की सिचुएशन है वो कैसी है? पानी की थोड़ा सा जो हाई रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे थोड़ी हल्की प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो यहाँ पानी की ऐसी कोई समस्या नहीं। पानी इजीली वैसे अवेलेबल हो जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब उसकी ना, कोई मारो मारा या कुछ ऐसा, कोई बहुत किल्लत है पानी की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, और आसपास जो मार्केट्स जो पड़ती हैं लोगों का, जैसे लोगों की डीएलएफ फेस वन में अब मेन दो मार्केट हैं, एक कुतुब प्लाजा है जो कि ए ब्लॉक में पड़ती है, और एक शॉपिंग मॉल है अर्जुन मार्केट, और इसके अलावा हमारे यहाँ में एक मेगा मॉल है जो जहाँ पे आप सिनेमा हॉल ये सब शोरूम्स आपको मिलेंगे, फूड कोर्ट्स हैं, और यू हैव एम्पल रेस्टोरेंट्स हैं, हर तरह का हर वर्ग का खाना आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मैं एक गाड़ी को रोकता हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ग्रीन गाड़ी यहाँ की जो साथ में है चल रही है। और जो डेली नीड्स की चीजें हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। जी जी जी। तो आपका जो बेसिकली जो आप जब से आप रह रहे हो डीएलएफ फेस वन में, तो आप ओवरऑल क्या रेटिंग आप देना चाहते हो फेस वन के लिए, डीएलएफ फेस वन के लिए? अगर रेटिंग की आप बात करेंगे तो मैं 10 में से 9 नंबर इसको दूंगा। चलिए, बेस्ट एरिया टू लेफ्ट, स्टार्स अच्छे हैं, 9 नंबर 10 में से करमवीर जी ने दिए हैं, ये अच्छे स्टार्स हैं। और आप सोच सकते हैं इस एरिया में डीएलएफ फेस वन में मूव होने के लिए, आप सोच सकते हैं आने के लिए, यहाँ पे आप प्लॉट बाय कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने बजट के हिसाब से हर चीज़ अवेलेबल है, आप छोटे प्लॉट्स बड़े प्लॉट्स फ्लोर्स सब चीज़ें आप ले सकते हैं। और तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे आपको किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। थैंक यू। ये सिल्वर
भरी स्ट्रेसफुल लाइफ में तो घर अपना ऐसी जगह बनता जाता है यहाँ पे फ्रेंड्स जो सबसे अहम चीज़ है वो है हमारे यहाँ के समोसे जो हम खा रहे हैं समोसे और चाय करमवीर जी के साथ। तो मैंने कहा चलो अपने व्यूअर्स को भी दे दो। भाई साहब कड़ी चावल भी खा रहे हैं वो भी आप देख सकते हो कैसे हैं अच्छे हैं हाँ चलिए अच्छे हैं कड़ी चावल। चलिए जी मिलते हैं समोसे के बाद। तो ठीक है दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा हरप्रीत सिंह और मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता था मैंने आपको दी है और अगर आपके पास कोई सवाल है कोई सजेशन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो आप मुझे कॉल कर सकते हो 8851678180 पे व्हाट्सएप कर सकते हो 9910161213 पे ईमेल ड्रॉप कर सकते हो mail@propertygallery.in पे। मेरा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और उम्मीद करूँगा कि आपको आप इस वीडियो को देख के संतुष्ट होंगे देख के आपको सेटिस्फेक्शन मिली होगी और अगला वीडियो मेरा जो नेक्स्ट शूट होगा नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं आपको एक नए एरिए के साथ नए रूप में दोबारा फिर आपको मैं मिलूंगा। उसी के साथ इजाज़त दीजिए हरप्रीत सिंह को। थैंक यू रब रखा।